ये बेटा, तो हमने अभी बात कम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला कि रिप्रोडक्शन जो है कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो फिर भी हम रिप्रोडक्शन को इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज के अंदर क्यों नहीं ले पाते, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको ये बोला कि रिप्रोडक्शन को बेटा इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज के लिए अंदर इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि हमारे पास बेटा कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो है तो लिविंग लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, मतलब वो है नेचर में लिविंग बींग्स है लेकिन दे डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले जैसे फॉर मैंने आपको हनी बीज बोला था बेटा, अभी हनी बीज, ठीक है। तो हनी बीज के अंदर बेटा हमारे पास तीन तरीके के मेंबर्स होते हैं। हनी बीज के अंदर बेटा क्वीन होगी, हनी बीज के अंदर ड्रोन्स होते हैं और वर्कर बीज होती है, ठीक है बेटा। तो ये हनी बीज की कॉलोनी बनाते हैं, तीनों मिलकर कॉलोनी बनाते हैं हनी बीज, ठीक है ना। अब अगर इन तीन में से आप देखोगे बेटा, इन तीन में से जो वर्कर हनी बीज होती है ना, वर्कर हनी बीज बेटा ऐसे मेंबर्स है किसके, बी कॉलोनी के, जो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते है तो नेचर में लिविंग, ठीक है ना। लिविंग होने के बावजूद भी ये रिप्रोडक्शन नहीं दिखा पा रहे हैं, समझ आ रही बात। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपने सुना होगा, नाम सुना होगा आपने, स्पीशीज जब पढ़ेंगे तब उसको डिफाइन करूंगा अच्छे से। आपने म्यूल का नाम सुना होगा बेटा, म्यूल का नाम सुना होगा, है ना। म्यूल जो है बेटा कैसे बनता है, ये बनता है बाय द रिप्रोडक्शन ऑफ हॉर्स एंड डमी, ठीक है। म्यूल जो है बेटा, म्यूल ऑफ स्प्रिंग है किसका, हॉर्स का और डंकी का। हॉर्स जो बेटा कभी नॉर्मली नेचुरल कंडीशन के अंदर डंकी के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है लेकिन बाय चांस कैप्टिव कंडीशंस के अंदर इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो गया तो इनका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ना बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूल बोलते हैं। म्यूल जो है बेटा ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन म्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो ये रिप्रोडक्शन नहीं दिखा रहा है, समझ आया। इसके अलावा बेटा ह्यूमंस के अंदर अगर देखें तो बहुत सारे ऐसी कपल्स होती है बेटा जो इनफर्टाइल कपल्स होती है, क्या होती है बेटा, इनफर्टाइल कपल्स होते हैं। ऐसे कपल होता है बेटा जो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रही, मेल में कोई प्रॉब्लम है, फीमेल में भी कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा कि यहाँ पे हमारे पास बेटा तीन एग्जांपल्स है, तीनों एग्जांपल्स में जो लिविंग बींग्स ऑर्गेनिजम्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखा पा रहे, ठीक है। लेकिन जब हमने बेटा इंक्लूसिव प्रॉपर्टी की करेक्टर पढ़ी थी ना, मैंने बोला था इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज बेटा ऐसी प्रॉपर्टीज होती है विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल पे यहाँ पे ध्यान देना है। तो मेरे को बताओ बेटा, अगर हम इन तीन को एग्जाम्पल दे, ये भी तो लिविंग है ना, क्या ये कभी भी रिप्रोडक्शन दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। तो इसके बेसिस पे हम बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन जो होती है वो इंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, रिप्रोडक्शन इज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये समझ आया कि नहीं समझ आया, तो ये रिप्रोडक्शन बेटा हमारा क्लियर हो जाता है। तो मेरे को पूरा यकीन है कि आपके अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, तो हमने बेटा शेप एंड साइज पढ़ लिया, हमने बेटा शेप एंड साइज के बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, हमने ग्रोथ पढ़ लिया, ठीक है ना। और ग्रोथ के अलावा बेटा हमने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब हम आते बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बेटा, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम मेटाबॉलिज्म नाम देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब समझाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को बताओ कि आपने बायोलॉजिकल वर्ल्ड में या बायोलॉजी में अभी तक कितनी रिएक्शंस का नाम सुना है जो हमारी बॉडी में होती है। शाबाश, आप बताओ बेटा, वेरी गुड, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। आप वेरी गुड, रेस्पायरेशन, ठीक है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस है बेटा, रेस्पिरेशन है बेटा, क्रब्स साइकिल है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है बेटा, समझ रहे ना। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर बेटा आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस है, बहुत सारे साइकिल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है या हमारी एक सिंगल सेल के अंदर होती है।
तो जितनी भी बॉडी के अंदर बेटा बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है ना, या एक सिंगल सेल के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है बेटा, तो अगर हम इन सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या कर दे, कंबाइन कर दे, सम टोटल कर दे, तो इन सारी सम टोटल रिएक्शन को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म कोई भी खतरनाक चीज नहीं की जिससे आपको डरना है, मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं बेटा, मेटाबॉलिज्म क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है, या सम टोटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है, विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, या विच आर एसेंशियल टू बी ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए लिविंग बींग। तो इन सम टोटल ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया, पक्का समझ आया ना, तो मेटाबॉलिज्म क्लियर हो गया ना। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है बेटा, अगर हम अपनी बॉडी में देखें, जैसे मैं आपको एग्जांपल कुछ दे देता हूं अभी थोड़ी देर बाद, तो मेटाबॉलिज्म को अगर हम अपनी बॉडी में देखेंगे ना बेटा, सम टोटल ऑफ रिएक्शन को अगर हम अपनी बॉडी में देखें, तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में सम टोटल ऑफ रिएक्शन जो है ना बेटा, ये दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की होती है, ठीक है ना। कैसी कैसी होती है, कुछ सम टोटल ऑफ रिएक्शन या कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन बेटा ऐसी रिएक्शन है जहां पर चीज को बनाया जाता है, मतलब ये बिल्डअप रिएक्शन है, ये बिल्ड अप रिएक्शन, यहां पे चीजों को क्या किया जाएगा बेटा, बनाया जाएगा, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ा जाएगा और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाएगा। समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है, क्लियर है ना। यानी शॉर्ट में यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे बिल्ड अप हो रहा है, ठीक है। एक मिनट बेटा, चलिए बेटा सॉरी, तो मैंने आपको बोला बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो सम टोटल ऑफ रिएक्शन है, अगर हम इनको कंबाइन कर ले आपस में, तो कंबिनेशन के बाद बेटा हम इनको दो मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला ग्रुप ऐसा है जहां पे हम चीजों को बनाते हैं, ये बनाने वाली रिएक्शन है, फॉर्मिंग रिएक्शन है, बिल्डअप रिएक्शन है। तो बेटा ये जो बिल्डअप रिएक्शन होती है जहां पे चीजों को बनाया जाता है, इन बिल्डअप रिएक्शन को हम नाम देते हैं बेटा एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इनको, एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। समझा रहा है कि नहीं समझा रहा, ठीक है ना। अब दूसरी रिएक्शन जो होती है बेटा, वहां पे बिल्डअप भी होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे ब्रेक डाउन होता है, वहां पे ब्रेक डाउन होता है बेटा, ठीक है ना। यानी इस पार्ट में ये ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन है जहां पे चीजों को बनाया नहीं जाता, बल्कि क्या किया जाता है बेटा, उल्टा तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ऐसी ब्रेक डाउन वाली रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बेटा, वो बनता है कॉम्बिनेशन एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, पक्का समझ आ रहा है। और बेटा एक चीज का ध्यान रखना, ये जो लिविंग वर्ल्ड आपको चैप्टर दिया गया है ना, ये इसलिए दिया गया है, ये आपको बेटा इसलिए दिया गया है ताकि आगे आने वाली बायोलॉजी जो है ना, उसको आपको थोड़ा ओवरव्यू मिले कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। और प्लस जो बच्चों के दिमाग में ये रहता है ना कि बायोलॉजी मतलब अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो ये चैप्टर के एंड में बेटा मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। बायोलॉजी है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब क्यों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो ये सब कुछ तो हमारे आसपास ही हो रहा है ना। देखो आज तक आपको पता ही नहीं था हमारे बॉडी के अंदर ऐसा भी मेटाबॉलिज्म भी कुछ होता है, हमारी बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस जैसा भी कोई चीज है, इरिटेबिलिटी भी जैसी कोई भी चीज है। तो जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे ना बेटा, तो आपके आसपास की सारी चीजें अपनी बॉडी के अंदर अपने बारे में क्या हो रहा है, कहां पे काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, कैसे अगर हम दवाई खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, ये सारी चीजें आपको बायोलॉजी से ही समझ आएगी। इसलिए बायोलॉजी बेटा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आपसे अच्छा पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट में और बहुत मजा आएगा। हम कोशिश करेंगे इसको ऐसे पढ़ने की आपको बोर ना लगे, बोरिंग ना लगे, एकदम मक्खन की तरह पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना बेटा। चलिए तो वापस आता हूं मैं। तो मैंने आपको बोला बेटा एनाबॉलिक रिएक्शंस प्लस कैटाबॉलिक रिएक्शंस किसको बनाती है बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बनाती है। तो अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है तो नॉमिनल को हमने क्या नाम दिया बेटा, मेटाबॉलिज्म नाम दिया। यहां तक तो क्लियर हो गया ना। अब मेटाबॉलिज्म में हमने बोला कुछ रिएक्शन एनाबॉलिक होती है, तो अगर बेटा रिएक्शन एनाबॉलिक है, ठीक है ना, तो इस नॉमिनल ऑफ मेटाबॉलिज्म को जहां पे एनाबॉलिज्म एनाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ये एनाबॉलिज्म हो गया, समझ आया ना। अगर ये कैटाबॉलिक रिएक्शन जो बेटा ब्रेक डाउन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। समझ आया। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा पूरे दिन या पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा है,
जब तक उसका लाइफ स्पेन चलेगा बेटा, तो उसके अंदर बेटा बॉडी में या एक इंडिविजुअल सेल के अंदर कंटिन्यूअसली बेटा कुछ चीजें बन रही होती है और कुछ चीजें टूट रही होती है। अब ये अलग अलग नहीं होता बेटा, ये साइमल्टेनियसली होता है। अगर एक रिएक्शन में कोई चीज बन रही है ना, सेम रिएक्शन में वही चीज आगे जाके क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, टूटेगी। मतलब जहां पे एनाबॉलिज्म चल रहा है ना बेटा, वहां पे क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं पे कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है। ये किसका कैरेक्टर है बेटा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। क्या कोई नॉन लिविंग बींग ऐसा कैरेक्टर दिखा सकता है, बताओ जरा। क्या कोई नॉन लिविंग बींग बेटा मेटाबॉलिज्म दिखा सकता है, क्या कोई नॉन लिविंग बींग कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता। इट इज द कैरेक्टर ऑफ बेटा लिविंग बींग्स। समझ आया कि नहीं समझ आया, एकदम क्लियर होना। अब और एक चीज यहाँ पे याद रखिए, वैसे आपके पता भी होगा फिर भी थोड़ा बहुत क्लियर कर देता है। अगर बेटा रिएक्शन एनाबॉलिक है, कोई चीज बनाई जा रही है, तो अगर कोई चीज बनाई जा रही है तो बताओ मेरे को बेटा एनर्जी देना पड़ेगा कि एनर्जी इस रिएक्शन से निकलेगा। वेरी गुड, एनर्जी देना पड़ेगा। यानी एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है बेटा, सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी देना पड़ता है। लेकिन कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर बेटा क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी। एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर बॉन्ड्स बनेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर बॉन्ड्स टूटेंगे। समझ आया कि नहीं समझ आया, एग्जाम्पल याद रखना बेटा। दो एग्जाम्पल मैं कॉमनली बोल देता हूँ, एनाबॉलिज्म में बेटा फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है ना, और कैटाबॉलिज्म में बेटा रेस्पिरेशन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन याद रख लीजिए। समझ आया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप बेटा, कि क्या मेटाबॉलिज्म एक इंक्लूसिव प्रॉपर्टी होगी कि एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होगी। शाबाश बेटा, गुड, शाबाश। हाँ ठीक, चलो ले लेते आपका आंसर। ठीक, देखो बेटा याद रखना बेटा, मेटाबॉलिज्म जो है ना ये इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको अभी बोल दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये किसी नॉन लिविंग बींग का कैरेक्टर नहीं है। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा, इट इज एन इनक्लूसिव प्रॉपर्टी। समझ आए कि इसमें, यानी ये क्या बेटा, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसका बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये समझ आया। अब मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं, आपने जो एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया हुई है, मान लो बेटा मतलब आपने क्या किया, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया बेटा, ठीक है ना। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या कर रहे हैं बेटा, आप इसके अंदर एंजाइम डाल रहे हैं इसके ग्लाइकोलाइसिस के, एंजाइम डाल दिए किसके बेटा, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम डाल दिए, प्लस आपने बेटा क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, मतलब सबस्ट्रेट डाल दिया बेटा, है ना। तो अगर बेटा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मीडियम है, सारी स्टेबल कंडीशंस प्रेजेंट है, एंजाइम है और ग्लूकोज है, तो बता बेटा ग्लाइकोलाइसिस टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा, बिल्कुल सही होगा, है ना। जब बेटा ग्लाइकोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा बेटा, पाइरुविक एसिड बनेगा। समझ आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे ग्लूकोज जो है ना बेटा कन्वर्ट किस में हो रहा है, पाइरुविक एसिड में हो रहा है। मतलब एक बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रही है, मतलब मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो अगर बेटा टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो मेरे को बताइए बेटा क्या टेस्ट ट्यूब एक लिविंग थिंग है। शाबाशी, पूछा गया क्वेश्चन, क्या टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग मानेंगे। मैंने आपको अभी बोला लिविंग का कैरेक्टर वो मेटाबॉलिज्म दिखाता है, लिविंग तो मेटाबॉलिज्म दिखा रहा है ना, तो क्या टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग मानेंगे, बिल्कुल बेटा नहीं मानेंगे। वेरी गुड, समझ आ रहा है ना। अब क्यों नहीं मानेंगे आपको, देखो बेटा ये टेस्ट ट्यूब जो है ना, टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शन चल रही है ना, दैट इज अ लिविंग रिएक्शन, ये याद रखना। टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग नहीं मानेंगे, लेकिन जो रिएक्शन इसके अंदर चल रही है वो कौन सी रिएक्शन है बेटा, वो एक लिविंग रिएक्शन है, इस चीज का ध्यान रखना है। समझ आया कि नहीं समझ आया, चलिए। यानी मतलब मेटाबॉलिज्म को हम बेटा एक नॉन लिविंग सब्सटेंस के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो नॉन लिविंग सब्सटेंस लिविंग नहीं बनेगी। समझ आया कि नहीं समझ आया, चलिए। ये मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है। अब हम आगे आते हैं। अब यहाँ पे बेटा एक लाइन पढ़ लेता हूँ, एक लाइन लिखा हुआ है तो मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ बेटा। मेटाबॉलिज्म इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग, नीचे एक लाइन लिखा होगा, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, या ध्यान से सुनने लिखा गया है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो और नॉट लिविंग, ठीक है ना, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। ये मैंने जो आपको अभी समझाया था अभी वही लिख रहा है यहाँ पे, ये कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है बेटा, जो हम इन विट्रो कंडीशन में कराते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, लेकिन रिएक्शन जो है बेटा वो क्या है बेटा, वो एक लिविंग रिएक्शन है। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया, इसलिए अच्छे से याद रखना पड़ेगा।
चलिए बेटा हम आगे आते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो है हमारा बेटा वो है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस को ज्यादा हम मतलब वो रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। होमियोस्टेसिस का जो सबको मैंने आपको नाइन्थ में भी पढ़ाया हुआ है, होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? होमियोस्टेसिस का मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरमेंट को बैलेंस करती है इन कंपेरिजन बेटा इंटरनल एनवायरमेंट, जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा, इस बैलेंसिंग फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इस बैलेंसिंग फिनोमेना को हम नाम देते हैं होमियोस्टेसिस। और होमियोस्टेसिस कैरेक्टर किन का होता है बेटा? लिविंग बींग्स का कैरेक्टर होता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद रखें तो अच्छी बात है, मेरे याद रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए अब आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के ऊपर, वो है कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा? चेतना बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस और चेतना जो है बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास बेटा प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आसपास की सराउंडिंग को क्या कर सकता है बेटा? सेंस कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रॉपर्टी है बेटा कि उसको फील होता है, उसको सेंस होता है कि उसके आसपास की सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा टू सेंस द सराउंडिंग, टू सेंस द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल सराउंडिंग, इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इसी को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? जैसे आप अभी क्लास में बैठे हैं बेटा, है ना, आप बोर्ड की तरफ देख रहे हैं तो बोर्ड से लाइट आ रही है आपकी आंखों में, आप लाइट की वजह से सेंस कर पा रहे हैं कि सर लिख क्या रहे हैं, ठीक है ना। आप अभी क्लास में बैठे हैं बेटा तो आपको साउंड आ रहा है, बाहर से बारिश हो रही है तो आपको ये सेंसेशन मिल रहा है कि हाँ बाहर से साउंड की सेंसेशन मिल रही है, तो आप उसे सेंस कर रहे हैं। आपकी साइड में आपका फ्रेंड बैठा है तो आप एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो आपको टच की सेंसेशन हो रही है। ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा टू सेंस द सराउंडिंग्स, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इसी को हम कॉन्शियसनेस नाम देते हैं। अब कॉन्शियसनेस जो है ना बेटा, कॉन्शियसनेस तीन चीजों से बनती है, ठीक है, जो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है बेटा? सबसे पहला चीज जो होता है वो होता बेटा स्टिमुलस, सेकेंड जो होता बेटा वो होता रेस्पॉन्स, एंड थर्ड जो होता बेटा वो होता है इरेटेबिलिटी। इसको हम सेंसिटिविटी भी बोलते, ठीक है ना। तो मतलब कॉन्शियसनेस होने के लिए बेटा हमारे पास कितनी चीजें होनी चाहिए? तीन चीजें होनी चाहिए। क्या क्या बेटा? स्टिमुलस होना चाहिए, वेरी गुड, रेस्पॉन्स होना चाहिए वेरी गुड, एंड इरिटेबिलिटी होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? अब स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल सेंसेशन, ठीक है ना, जो आपका सेंस ऑर्गन बाहर से कोई भी चीज अगर सेंस कर पा रहा है, या आपकी कोई भी बाहर की चीज अगर आपके सेंस ऑर्गन को सेंसेशन दे रही है, तो इस एक्सटर्नल फिनोमेना या इस एक्सटर्नल मटेरियल या इस एक्सटर्नल चीज को हम क्या नाम देंगे बेटा? इसको हम स्टिमुलस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं घर पे, ठीक है ना, अचानक से आपके हाथ में कोई चीज चुभ गई, ठीक है ना। तो जैसे कोई चीज आपको चुभ गई तो आप क्या करेंगे? हाथ और नीचे प्रेस करेंगे, नहीं, आप आपको क्या करेंगे? हटा देंगे। तो ये जो टच हुआ था बेटा उस पॉइंटेड चीज का, इस टच को हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम स्टिमुलस बोलेंगे। समझ आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आप मान लीजिए कल आप लैब में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो लैब में काम करते करते बेटा आपके हाथ में अचानक से फॉर एसिड का एक ड्रॉप गिर गया, तो आप क्या करेंगे? और एसिड डालेंगे हाथ पे? नहीं बेटा, आप हाथ को हटाएंगे। तो केमिकल ने क्या किया बेटा? केमिकल ने एक्ट किया एज स्टिमुलस, यानी यहाँ पे स्टिमुलस का हम कौन बन गया? केमिकल बन गया। समझा रहा कि नहीं समझा? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा आप किसी डार्क प्लेस पे, ठीक है, आपको नजर नहीं आ रहा कहाँ जाना है, अचानक से आपको दूसरी तरह से लाइट दिखाई दे रही है, रोशनी दिखाई दे रही है, आप लाइट की तरफ जाएंगे तो लाइट ने क्या किया बेटा? एज स्टिमुलस। समझ आया ना स्टिमुलस क्या होता है? तो स्टिमुलस बेटा कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपके सेंस ऑर्गन्स को, जो चाहे वो टच का रिसेप्टर हो, चाहे वो साउंड का रिसेप्टर हो, चाहे वो टेस्ट का रिसेप्टर हो, कोई या चाहे वो लाइट का रिसेप्टर हो, वो रिसेप्टर हो, इन रिसेप्टरों को क्या कर दे बेटा? एक्टिवेट कर दे। तो इन पर्टिकुलर चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें हम स्टिमुलस बोलते हैं। स्टिमुलस केमिकल हो सकता है, लाइट हो सकता है, टच हो सकता है, साउंड हो सकता है, या कोई एरोमेटिक टेस्ट कंपाउंड हो सकता है। ये समझ आएगा कि समझ आए? अब स्टिमुलस जैसे आपको बॉडी को स्टिमुलस मिला, जैसे मैंने आपको अभी बोला एसिड का ड्रॉप गिरा तो वो स्टिमुलस था, वो केमिकल स्टिमुलस था। तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी बेटा? हमेशा जैसे बॉडी को स्टिमुलस मिलता है ना, तो बॉडी इस स्टिमुलस को क्या करती है बेटा? रेस्पॉन्ड करती है। मान लो आपको एसिड का ड्रॉप गिरा था तो बॉडी क्या करेगी? अपने हाथ को हटा देगी, यानी बॉडी ने एसिड के ड्रॉप के लिए क्या किया? रेस्पॉन्ड किया। समझ आया ना? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल
किसी मीडियम में पैरामीशियम है, आपने फूड डाल दिया मीडियम के अंदर, पैरामीशियम फूड की तरफ भागेगा। यानी फूड पैरामीशियम के लिए क्या है बेटा, बेटा स्टिमुलस था, लेकिन पैरामीशियम जब फूड की तरफ चला गया वो उसने क्या दिखाया बेटा, रेस्पॉन्स दिखा दिया। यानी अगर आप स्टिमुलस को क्या कर रहे हो बेटा, जवाब दे रहे हो, आंसर कर रहे हो, तो उस आंसर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, उसे हम रेस्पॉन्स नाम देते हैं। समझाया नहीं समझाया? अब इरेटेबिलिटी क्या होता है बेटा, इरेटेबिलिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी टू शो रेस्पॉन्स। यानी जो प्रॉपर्टी होता है ना लिविंग बींग में कि वो रेस्पॉन्स दिखा सकता है, इस प्रॉपर्टी टू शो रेस्पॉन्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसको हम नाम देते हैं इरेटेबिलिटी। समझाएगा? तो अगर ये तीनों चीजें है किसी ऑर्गेनिज्म में तो वो क्या दिखाएगा बेटा, कॉन्शियसनेस दिखाएगा। समझा रहा? यानी कॉन्शियसनेस दिखाने के लिए बेटा आपके पास क्या क्या होना चाहिए, स्टिमुलस को एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, उसको रेस्पॉन्ड करने की क्षमता होनी चाहिए, और ये प्रॉपर्टी टू रेस्पॉन्स जो है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इरेटेबिलिटी बोलते हैं। समझाया कि नहीं समझाया? अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, क्या कोई नॉन लिविंग बींग कॉन्शियसनेस दिखा सकता है? बिल्कुल नहीं दिखा सकता। समझाया ना? यानी कॉन्शियसनेस जो है ना बेटा, ये प्रॉपर्टी किसकी, लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टी है। तो मतलब ये इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है बेटा? वेरी गुड, ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। समझाया कि नहीं समझाया? पक्का समझाया ना? एकदम क्लियर वाला याद है? अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, वो ये है कि वैसे तो सारे लिविंग बींग्स कैसे होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग बेटा एक वाहिद, एक सिंगल ऐसा लिविंग बींग है जो नेचर में कैसा होता है, सेल्फ कॉन्शियस होता है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब हुआ बेटा कि हम ध्यान रखते हैं अपने लिए, हम देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमने क्या पहना है, हमें अगर किसी जगह जाना है तो हम वहां पे किस तरीके से जा सकते हैं। जैसे मैं टीचर हूं बेटा, तो मैं क्लास में बेटा धवल बन के तो नहीं आ सकता ना, मैं चुलबुल पांडे बन के तो नहीं आ सकता ना क्लास में, मैं कैसे आऊंगा, एज टीचर आऊंगा। कल को आप डॉक्टर बने बेटा, आप क्लिनिक में बेटा किसी गुड्डे की तरह नहीं बैठेंगे ना, कि आपने पीछे चुलबुल पांडे की तरह गॉगल लगा लिए, फटे हुए जींस पहन लिए, या किसी और तरीके से बैठे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हम देखते हैं कि हमारे लिए बेटर क्या है, हमारे लिए क्या बेटर नहीं है, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या नहीं है, हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। समझ आ रहा है ना? अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें पैसा डाला है तो पैसा डालने के बाद क्या हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो अगर आप ये डिफरेंसेस कर पा रहे हो ना बेटा, मतलब आप सेल्फ कॉन्शियस हो। अगर आप ये डिफरेंसेस नहीं कर पा रहे हो ना, फिर एनिमल किंगडम में बहुत सारे एनिमल्स है, उसमें माशाल्लाह आप भी है। समझ आया कि नहीं समझ आया बेटा? पक्का समझ आया ना? ठीक है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है बेटा, वो इंसान को बाकी एनिमल से क्या करती है, अलग करती है। तो आपको आज के बाद क्या जगाना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस जगाना पड़ेगा। किस लिए जगाना पड़ेगा बेटा? पढ़ाई के लिए जगाना पड़ेगा। आपको सेल्फ कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेहनत से पैसा यहाँ पे दिया है, अब मेरे इस पैसे से पूरा स्तर से हिसाब लेना है, पूरा स्तर से पढ़ाई कराना है, और जितने भी डाउट्स है उनको एक एक करके क्या करना है बेटा, क्लियर करना है, तभी आप ह्यूमन बींग की काउंटिंग में आएंगे। अब सेल्फ कॉन्शियस नहीं है तो बेटा फिर मैंने आपको बता दिया क्या। समझाया कि नहीं समझाया? चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो हमने बेटा दो ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी जो लिविंग बींग में होती है, जो नॉन लिविंग बींग में नहीं हो सकती है। वो कौन कौन थी बेटा? मेटाबॉलिज्म थी एंड कॉन्शियसनेस थी। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है ना, हमने तो पढ़ लिया मेटाबॉलिज्म भी है, हमने तो पढ़ लिया क्या बोलते हैं कॉन्शियस।